हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एसएफआई द्वारा किए गए घेराव में अब एक नया मोड़ आ गया है। आपको याद होगा कि रूसा फीस बढ़ोतरी और एससीए चुनाव कराने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों एसएफआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की धक्का मुक्की खूनी झड़प में बदल गई थी, जिसमें कई लोगों को चोटें लगी थी। लेकिन अब इस मुद्दे पर सीपीआईएम ने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस वालों ने उनके प्रदेश कार्यालय में जबरदस्ती घुसकर अंदर तोड़फोड़ की है। सीपीआईएम नेता टिकेंद्र पवार ने कहा है कि यह सरकार और पुलिस प्रशासन की सोची समझी साजिश है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसकी सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। आपके 2-2.5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो गया, उसके 3-3.5 घंटे बाद हमारे ऑफिस की आप हालत देखिए क्या की है। 3 घंटे बाद एक पूरी खुंदक के साथ, जैसे मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ युद्ध हो रहा हो, और ये पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया। जब उन्होंने अपने आप को बचाना चाहा, पूरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में। कोई सर्च वारंट नहीं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का है। हमारे ऑफिस में तभी घुस सकते हैं, हम सरकारें चलाते हैं। हमारी डिमांड ये है कि इसमें एक जुडिशियल प्रोब हो, और जिसने ये हमला किया है उसमें एक DSP है यहाँ पर, बंसल साहब, रामलाल बंसल जी, वो बालूगंज के SHO हैं, उनको उनके उनको अरेस्ट किया जाए। और साथ में एक ASI हैं शिव कुमार, जिन्होंने पूरा काम किया है, जिन्होंने लीड किया। और यही नहीं, आप थाने में जाकर देखिए क्या हालत की है, पूछिए उनसे जो लोग अरेस्ट किए हैं, उनको रूम में अंदर बंद करके, लाइटें बंद करके फिर पीट रहे, क्या दिखाना वो चाह रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।